सीआईएससी ने अभी तक यह स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है और कहीं पर भी यह ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू एग्जामिनेशन के वेटेज क्या कुछ होंगे। हाँ, स्टूडेंट इसके लिए कैंपेन कर सकते हैं और इसके पीछे बहुत सारे सीआईएससी के एग्जामिनर, हेड एग्जामिनर, एग्जाम कोऑर्डिनेटर जो बातें कह रहे हैं कि ये वेटेज घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं या ये वेटेज को लेकर कई सारे चेंजेज होने वाले हैं, इसके पीछे कई रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। आप देखिएगा कि यहाँ नोटिस बोर्ड पर सीआईएससी पूरी तरह से चुप है और उसने कुछ नहीं कह रखा है कि क्या होंगे सो। लेकिन जब आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखते हैं तो सीबीएसई का ये रिपोर्ट है कि टर्म टू और टर्म वन एग्जामिनेशन के वेटेज को लेकर स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन मिस किए हैं या नहीं किए हैं उनमें चेंजेज हो रहे हैं। मैं रिपोर्ट क्यों दिखला रहा हूं, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़े एग्जामिनर ने इस रिपोर्ट को आपके साथ शेयर करते हुए कहा है कि स्टूडेंट को इग्नाइट कीजिए आईसीएसई एंड आईएससी के कि वे इस तरह के कैंपेन को चलाएं और वे भी डिमांड करें कि सेमेस्टर वन या बेस्ट ऑफ द सेमेस्टर वन की बातें की जानी चाहिए। यहाँ पर आप ये रिपोर्ट पूरी तरह से पढ़ेंगे तो सीबीएसई को लेकर यह रिपोर्ट आ रहे हैं और बहुत सारे सीबीएसई के ऑफिशियल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कन्फर्म कहा है कि पहले यह माना जा रहा था कि यह 50-50% वाली बात है, लेकिन आगे चल के यह बात 30-70 के हो गए है। जब सीबीएसई ऐसा करेगी तो सीआईएससी ऑटोमेटिकली है कि वह इन्हीं पदचिन्हों यानी कि सीबीएसई को फॉलो करते हुए सीआईएससी भी वेटेज में चेंजेज कर सकती है। हालांकि यह कोई कंपल्सरी फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर स्टूडेंट कैंपेन करते हैं जैसा कि मुझे उस एग्जामिनर ने बताया और बहुत सारे स्टूडेंट भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बेस्ट ऑफ द सेमेस्टर एग्जाम रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज को च्वाइस कीजिए, यानी कि सेमेस्टर वन में जिस स्टूडेंट के बेस्ट रिजल्ट या सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट आए हैं और सेमेस्टर टू में बेस्ट रिजल्ट आए हैं इसके लिए वे कैंपेन करें। यहाँ पर बहुत सारे जो कंडीशन और कंफर्मेशन दिए गए हैं उसमें साफ साफ बताया जाता है कि जो टर्म टू में सीबीएसई के अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, लेकिन सीआईएससी के ऐसे सिचुएशन नहीं है, सीआईएससी में मार्क्स बहुत अच्छे तरह से दिए जा रहे हैं और स्टूडेंट काफी बेटर पोजीशन में है। बावजूद इसके बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कंफर्म है कि टर्म वन में रिजल्ट खराब आए हैं क्योंकि उनके तो रिजल्ट आउट हो चुके हैं, और टर्म टू में भी बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि उनके परफॉर्मेंस वैसे नहीं रहे हैं जैसे कि रहने चाहिए और जिस बात की आशा वे कर रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जिस तरह से मॉड्यूलेशन हुआ है और उसमें जो अपब्रिंगिंग और कंटिन्यूअस चेंजिंग है इन सब के कारण कई सारे चेंजेज सामने आ रहे हैं और ये चेंजेज इंपॉर्टेंट ही नहीं काफी कुछ क्रूशियल थे जिसके कारण आईसीएसई एंड आईएससी सेमेस्टर टू एग्जाम में स्टूडेंट को प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि वह इन तरह के चीजों को कंसीडर कर रहा है। इसका मतलब होगा कि सीबीएसई की देखा देखी सीआईएससी भी इस तरह के चीजों को कंफर्म कर सकती है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को यह सलाह दी जाती है कि change.org या फिर आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां से इस तरह के कैंपेन को करें, और इसको करने का मतलब हो गया कि आप अपनी बातों को रखते हैं और अपनी बातों को पॉजिटिवली काफी डिसेंट वे में रख के मांग कर सकते हो, क्योंकि मांग करना बुराई नहीं है। यह अपनी बातों को कहने का मतलब हो गया कि स्टूडेंट अपने हक की बात कर रहे हैं, जिस तरह से सीबीएसई ने यह बातें कन्फर्म रूप से कही है। अब सीबीएसई और सीआईएससी के बीच में कुछ बुनियादी फर्क है जिसके कारण ऐसा कहा जा रहा है, और मैंने क्या आपको क्या बोला है यह आने वाले समय में काफी अच्छी तरह से पता चल जाएगा, क्योंकि जो अभी के समय में स्टेप्स हैं और रिजल्ट निकलने में बहुत ज्यादा का वेटेज नहीं है, जुलाई आने वाले हैं और जुलाई के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आने की संभावना है, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट क्या कुछ कर सकते हैं और यह जुड़ सकते हैं यह उन पर निर्भर करता है। इसी बीच 2023 बैच के स्टूडेंट के लिए ये जो क्वेश्चन बैंक है ये काफी क्रूशियल है और इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आईएससी के हो या आईसीएसई के हो, और इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेज करके इस चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं इकोनॉमिकली। तो मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।